तो फ्रेंड्स कुछ चटपटा खाने का जब भी मन करे फ्रेंड्स आप ये देखिए पापड़ी चाट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये चटनी है, देख लीजिए, ये 2 चम्मच में चटनी बनाई हूँ हरी मिर्च और अदरक का। और फ्रेंड्स चटनी बना के पहले आप रख लें, उसके बाद यहाँ देखिए इसका मसाले भी बना लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ छोला भी उबलने दे, छोला मतलब पीले वाले जो मटर होते हैं, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट। फ्रेंड्स यहाँ देखिए मसाले में लाल मिर्च है, जीरा है, धनिया है और काली मिर्च, काला नमक, ये सारे मैं ले ली हूँ। और फ्रेंड्स 1-1 चम्मच है धनिया, 2 चम्मच है, और फ्रेंड्स काला नमक जरूर डालिएगा जब भी आप इस तरह के मसाले बना रहे हैं। इसमें चाट मसाला या तो आमचूर पाउडर 2-3 चम्मच डाल दें। और फ्रेंड्स ये मसाले चाट मसाले एकदम तैयार हो जाएंगे। आप अगर चाट मसाले मतलब जैसे मार्केट वाले चाट मसाले देखते हैं फ्रेंड्स, जब भी डालते हैं उसका अलग टेस्ट होता है। सिर्फ चाट मसाले नहीं होते हैं, उसमें धनिया होते हैं और वह दरदरा पीसे हुए होते हैं फ्रेंड्स। ये मोटी पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, इसको मोटा ही पीसना है। और देखिएगा इस मसाले का स्वाद, आपके मार्केट के बहुत सारे मसाले अभी डालते हैं उससे 10 गुना टेस्टी ये बनेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आप चाट मसाले डालते हो, दही डालो, कुछ भी नहीं, आप ये मसाले सिर्फ डाल दो, इमली की चटनी, दही, कुछ भी, और देखिएगा उस चाट का स्वाद कितना टेस्ट होगा, एकदम टेस्टी चाट बनके तैयार होगी। यहाँ देखिए हरी मिर्च भी काट ली हूँ फ्रेंड्स, और प्याज भी ऐसे ही आप चॉप कटिंग कर लें, मतलब बहुत ही फाइन। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं यहाँ मैदा ले ली हूँ। और फ्रेंड्स आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा कलर, मतलब मैदे अगर आप मिक्स नहीं करते हैं तो उसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाते हैं, तो देखने में थोड़ा ब्राउन लगते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ अगर मार्केट की तरह आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ मैदा से मिलाना है। और इसमें पहले मोम डालते हैं, मतलब ऑयल डालें फ्रेंड्स, ऑयल रिफाइन कोई भी, और यहाँ अच्छे से उसको डाल के मिलाना है। और यहाँ 2 मसाले, मतलब मसाले क्या, अजवाइन और जीरा, 1 चम्मच अजवाइन 1 चम्मच जीरा, यहाँ 1-1.5 चम्मच डाल दें। यहाँ थोड़ी सी नमक, नमक बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं डालना है, लगभग 1/2 चम्मच मैंने छोटी चम्मच में 1 चम्मच जैसा नमक डाली हूँ बस फ्रेंड्स। नमक यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम छोले में भी नमक डालेंगे और बाद में ऊपर से भी आप नमक लोगे तो अच्छा लगता है, तो यहाँ 1/2 से 1/4 चम्मच जैसा ही नमक डालें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमक डालते हैं तो आप ऐसे सूखे भी खा सकते हो और एकदम चटपटा बनता है। टी स्नैक्स में भी आप ऐसे भी, बच्चे तो ऐसे भी थाली के थाली खा जाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह अगर बने एकदम बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होने वाली है, आप देखिएगा मार्केट से 10 गुना अच्छा आप घर में बना सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम समय में फ्रेंड्स। देखिएगा एकदम ईजी हो जाएगा आपके पापड़ी चाट बनाना फ्रेंड्स। कभी भी आप इसको बना के, मतलब बना के इसको महीनों तक रख सकते हैं। कभी भी छोला बनाए या तो आलू अगर डालते हैं तो वो आप बटाटा पूड़ी बना सकते हैं, और छोले डालते हैं तो पापड़ी चाट। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ देखिए जीरा और अजवाइन डाल दी हूँ 1/2 चम्मच, 1-1.5 चम्मच आपको जैसे भी, क्योंकि अगर इसको डालते हैं तो एकदम सोना सोना खुशबू आती है जब भी उसको खाते हैं, तो फ्रेंड्स तो आप जरूर डालें, अरे हेल्दी भी होते हैं। उसके बाद यहाँ चलिए 2 चम्मच तेल डाल देते हैं अच्छी तरीके से, इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आटे को एकदम कड़क गूंथना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंथिएगा, नहीं तो वह सॉफ्ट हो जाएंगे, कड़क नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो ध्यान रखें कि एकदम हार्ड बुन इसको मिलाएं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, मतलब 1 कप पानी में ये इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है, बहुत अच्छे से इसको मिलाना है फ्रेंड्स, ताकि सारे मसाले मिल जाए, ऑयल जो डाले हैं इसमें मोम वो अच्छे से मिल जाए सारे में, तो अच्छे से मिला लें। उसके बाद इसमें पानी डालें और अच्छे से देखिए एकदम डो बना के रख दें, और इसको आप 15-20 मिनट अगर रख देते हैं फ्रेंड्स, ये तो आप घंटों रख सकते हैं, 1-2 घंटा भी अगर रख देते हैं एकदम फूल के देखिए बहुत डबल हो जाते हैं। और उसके बाद आप बनाइएगा एकदम क्रिस्पी बनेंगे, कभी भी सॉफ्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप हो सके तो घंटों तक छोड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है, नहीं तो आप 10-15 मिनट बाद में ही बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक लोई ली हूँ, और ये लोई इतना बड़े लें ताकि रोटी जैसे बनाते हैं उतना बन सके। उसके बाद एक कटोरी ली हूँ, छोटी वाली है देखिए ये, और या तो फिर आप छोटी सी गिलास, या तो फिर ये सारे नहीं है तो आप कोई भी बड़े साइज का जो ढक्कन इस तरह के होते हैं उस तरह के कोई डब्बे के ढक्कन ले लें, उससे भी आप काट सकते हैं इसे, और नहीं तो आप बेल भी सकते हैं फ्रेंड्स छोटी छोटी पूड़ियाँ। और फ्रेंड्स ऐसे क्या होता है, एक बार आप रोटी बेल लिया देखिए 5-6 तैयार हो गए, तो इसको तुरंत डालना नहीं, इसको साइड करके रख दें और एक ही बार आप छान सकते हैं। तो इसको मैं देखिए पहले से भी थाली में रखी हुई हूँ फ्रेंड्स। और इसमें और एक चीज़ करना है फ्रेंड्स, एक फोग ले लें, मतलब फोग वाले जो चम्मच होते हैं कांटे वाले, उससे इसमें
छेद कर दे, नहीं तो ऐसे पानी पूरी बन जाएंगी। तो चलिए इसमें फोग चला देते हैं थोड़ी, चार पांच बार यहाँ वहाँ आप फोग रख दें ऐसे ही, तो क्या होंगे एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, ये फूलेंगे नहीं। और ऐसे अगर नहीं डालते फोग नहीं लगाते तो ये फूल जाएंगे फ्रेंड्स, फूलने के बाद ये पानी पूरी की तरह एकदम दिखने लगेंगे। ऐसे पापड़ी चाट बन के तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आप देखिए सारे में ऐसे ये दाग कर लेना है, चार पाँच जगह चम्मच लगा देना है बस, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी देखिए। और अब इसको मैं बेल के रख ली हूँ और इधर तेल भी गर्म होने दे दिए फ्रेंड्स, तेल को अच्छी तरीके से पहले गर्म होने दें उसके बाद उसको मीडियम आँच में तलना है सारे पपड़ी को। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मीडियम आँच में इसको कर दिए हैं, उसके बाद पहले गर्म होने दें उसके बाद मीडियम आँच में करके पपड़ियाँ को तल लें सारे पपड़ी को। और फ्रेंड्स ऐसे करके मैं तल ली हूँ और थोड़ी सी ब्राउन होने तक तलने दें रहने दें ताकि इसको महीनों तक रख सकते हो फ्रेंड्स, किसी भी पैकेट बंद मतलब डब्बे में रख सकते हैं या तो पैकेट में पैक कर दें और उसमें अच्छे से रख दें, बिना मॉइस्चर जहाँ मॉइस्चर नहीं हो वहाँ महीनों तक इसको रख के आप कभी भी बच्चों के लिए बना सकते हैं या टीचर नेक्स्ट के समय बच्चों को चार छः ऐसे, और ये तो बच्चे कभी भी ऐसे लेके भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लगते हैं बिस्किट चाउमीन से तो अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप सारी पूड़ियों को छान ले सकते हैं मतलब पपड़ियों को, और देखिए तैयार है। अब चलिए फ्रेंड्स प्लेट लगाते हैं, चाट बनाना शुरू करते हैं, इधर तल भी रहे हैं और इधर प्लेट भी प्लेटिंग कर देते हैं क्योंकि बच्चे खाना शुरू कर दिए हैं, ऐसे आधे से ज़्यादा खत्म हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ कितना क्रिस्पी बना है, जैसे इसको हाथ में दबाए एकदम चूर हो गया है, तो मतलब ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार है। और फ्रेंड्स इधर प्लेटिंग करने के लिए मैं छोले उबाल ली हूँ और छोले में 5-6 सीटी लगा दिए हैं, ये जो मटर है फ्रेंड्स मटर भी ले सकते हैं काबली चना भी। और देखिए यहाँ प्लेटिंग कर रही हूँ, यहाँ 5 से 6 पापड़ी आप इसी तरह चारों ओर लगा दें, उसके बाद इसमें छोले डाल देते हैं फ्रेंड्स। और जो मसाले बनाए आगे पहले ही मैं बताई हूँ उसको भी, उस मसाले को अच्छी तरीके से पीस लिए हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच में चाट मसाला डाल दी हूँ। और यहाँ इमली खट्टी मीठी चटनी वो भी मेरे चैनल में है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये तो फिर आप इमली लें और उसको आप मतलब जितना इमली है उससे, और इमली में आप पानी गुड़ और थोड़ी सी लाल मिर्च तीखा खाना चाहते हैं डाल दें और खुला दें फ्रेंड्स, जितना कड़ा चाहिए उतना रख सकते हैं, नहीं तो आप जितना पतला चाहिए उतना रख सकते हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स दही डाल ली हूँ इमली की चटनी और प्याज हरी मिर्च सेवैयाँ, ऊपर से चाट मसाले जो बनाए हुए थे फ्रेंड्स उसको भी छिड़क देना है। इधर और तीखा चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स भी छिड़क सकते हैं, बेदाना फड़ियाँ ये सारे छिड़क के आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चाट बन के तैयार हो गई फ्रेंड्स, आप सब जरूर ट्राई कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।